दोस्तों, ये है वीवो के T2X का सक्सेसर T3X। इसके बेस वेरिएंट के प्राइस 12,500 रुपए और इसमें आपको मिलती है 6.72 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर, 6000 mAh की बैटरी और साथ ही में 44 वाट की फास्ट चार्जिंग। प्राइस के हिसाब से इसके फीचर्स जबरदस्त है, बट ये देखती है रियल लाइफ में कितना प्रैक्टिकल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं काम की बातें। लुक्स और डिजाइन की बात करो तो भाई, इसका डिजाइन थोड़ा सा ट्रेंडी है और ये देखने में थोड़ा सा नया नया सा लगता है। मैट फिनिश थोड़ा सा प्रीमियम लुक देता है। ओवरऑल डिजाइन के मामले में मस्त और इसका इन हैंड फील भी जबरदस्त है। जरूरत के सभी तरीके के पोर्ट्स और बटन भी दिए गए हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर पावर ऑन ऑफ बटन पर है और ये काफी फास्ट भी है। डिस्प्ले की बात करो, इसका साइज ठीक है। इसके साइड के बेजल्स और चेन का साइज प्राइस के हिसाब से फिट है। 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है और साथ ही 1000 nits की मैक्सिमम ब्राइटनेस है, मतलब आउटडोर विजिबिलिटी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले की कलर क्वालिटी और सैचुरेशन वगैरह काफी अच्छी तरीके से बैलेंस है। ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो डिस्प्ले की क्वालिटी मस्त है। परफॉर्मेंस की बात करो, मिलता है स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 प्रोसेसर और ये 4 NM पे बेस्ड है। साथ ही में LPDDR4 इसकी रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है। इसके अंदर उसको लगभग 5 लाख प्लस है। इसमें आप डेली के टास्क काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ तक कि हल्की फुल्की गेमिंग भी बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करता है। ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है और इसमें आपको 2 Android अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। इसमें पहले से कुछ फालतू की एप्स वगैरह भी हैं जिन्हें आप चाहें तो इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो प्राइस के इसकी परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का है। कैमरे की बात करें, इसके बैक साइड में डुअल कैमरा सेटअप, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का और दूसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है और भाई प्राइस के कैमरे की क्वालिटी अच्छी है। ये डिटेल डायनेमिक रेंज, कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह काफी अच्छी तरीके से बैलेंस करता है और ये कुछ इसी फोन के कैमरा सैंपल्स है जो कि अलग अलग कंडीशन में ट्राई किए गए हैं। फोटो की क्वालिटी नेचुरल से ज्यादा शार्प और सैचुरेटेड नहीं है, ये कलर को काफी अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। दोस्तों कमेंट में बताइए इसके कैमरे के बारे में आपकी क्या राय है। प्राइसिंग की बात करें, इसमें टोटल 3 वेरिएंट का ऑप्शन है। एक है 4GB रैम 128GB स्टोरेज, उसका प्राइस 12,500 रुपए। दूसरा है 6GB रैम 128GB स्टोरेज, उसका प्राइस 13,500 रुपए और तीसरा है 8GB रैम 128GB स्टोरेज, उसका प्राइस 15,000 रुपए। फाइनली कंक्लूजन की बात करूं तो भाई मुझे इसका 8GB वाला वेरिएंट ठीक नहीं लगा है, क्योंकि उसका प्राइस 15,000 रुपए है और 15,000 रुपए के प्राइस के हिसाब से उसकी कैमरे की क्वालिटी मुझे कुछ ठीक नहीं लगी है। बाकी सारी चीजें ठीक है, बट कैमरे के मामले में कहीं ना कहीं मार खा जाता है। अगर आपको बजट 12-13 हज़ार रुपए के आसपास का है तो आप इसके बाकी के वेरिएंट बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। 12,000 के प्राइस के हिसाब से इसके डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, प्रोसेसर, परफॉर्मेंस सब कुछ काफी अच्छी तरह से बैलेंस है। बट दोस्तों आप इस फोन के बारे में क्या सोचते हैं हमें भी कमेंट में जरूर बताइएगा और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए सिंपल एंड इजी तरीके से टेक की वीडियोस पाने के लिए। Thank you.